I'm Dr. K.K. Talwar. I'm chairman PSRI Heart Institute. 7th अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, WHO डे है, तो WHO एवरी ईयर जब भी WHO डे आता है तो उस दिन कुछ थीम अनाउंस होती है। तो इस बार जो WHO की थीम है वो है आर प्लैनेट एंड आर हेल्थ। इसका अगर हम एनालाइज करें तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अगर हमारा प्लैनेट साफ है, इट प्रमोट्स गुड हेल्थ। प्लैनेट में देखिए, अगर यू हैव ए प्योर सेफ एयर, प्योर एयर, यू हैव ए सेफ अनकंटेमिनेटेड वाटर, सैनिटेशन, ये जो रिस्क फैक्टर हैं अगर इनका ध्यान रखा जाए तो बहुत जो हेल्थ जो बीमारियां होती हैं उसे बचा जा सकता है। कहते हैं कि मोर देन 1 मिलियन डेथ एवरी ईयर होती हैं जस्ट बिकॉज ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस और एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर है उनकी वजह से, पोल्यूशन से, कंटेमिनेटेड वाटर कह लीजिए, सैनिटेशन इशू एंड बाकी भी जो फैक्टर हम कहते हैं, जब आपकी फूड वाटर कंटेमिनेटेड है योर फूड कांट बी आल्सो हेल्दी एंड सिमिलरली इफ यू हैव ए पोल्यूशन यू कांट डू प्रॉपर एक्सरसाइज, यू कांट गो आउटसाइड टू डू एक्सरसाइज बिकॉज यू इनहेल पोल्यूटेड थिंग्स। सो ये जो फैक्टर है अगर हम इनका ध्यान रखें, इनको प्रॉपरली आई मीन वी गिव सीरियस कंसिडरेशन टू मेक श्योर दैट वी हैव ए क्लीन एयर, वी हैव ए प्योर वाटर, वी हैव ए एडिक्वेट सैनिटेशन, बहुत सारी बीमारियाँ से अपने आप को बचाया जा सकता है। हार्ट अटैक भी जो हैं ये बहुत बढ़ जाते हैं जब भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होती है। देखा होगा कि ये एक्सपीरियंस है ओवर द ईयर्स दिल्ली में जो पॉल्यूशन जो है आस्ते आस्ते बढ़ती जा रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल फैक्टर की वजह से है, चाहे वो व्हीकल्स की वजह से है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की वजह से है। कई बारी जो कहते हैं जी पराली जलाई जाती है यूपी में, हरियाणा में, पंजाब, वहाँ से भी सो ये जो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है तो हार्ट अटैक्स भी उस टाइम पे बढ़ जाते हैं और पर्टिकुलरली यंगर पीपल। तो इसलिए हमें अगर हम अपने एनवायरनमेंट को कोशिश करेंगे कि क्लीन, जो जो चीज़ें इसको ख़राब कर सकती उसका ध्यान रखा जाएगा, हम बहुत लोगों को जो प्रीमैच्योरली जिनकी डेथ होती है, जैसे मैंने कहा मोर देन 1 मिलियन पीपल डाई, उनको हम बचा सकते हैं। अब देखिए अगर पोल्यूशन है, हम कहते हैं एक्सरसाइज हार्ट अटैक से बचने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट अटैक ना हो, शुगर ना हो, इस सब के लिए हम कहते हैं एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पर आप बताइए सपोज हवा में इतनी पॉल्यूशन है तो इंसान एक्सरसाइज बाहर कैसे जाएगा एक्सरसाइज करने? कितने लोग हैं जिनके पास इतनी रिसोर्सेज होंगे कि वो अपना जिम ज्वाइन कर लेंगे, इसे हैप्टी मनी टू पे फॉर ए कॉमन पर्सन, ही कैन ओनली गो आउट फॉर डूइंग एक्सरसाइज, तो पोल्यूशन उसको भी अफेक्ट करती है। सो ये जो थीम इज़ ए वेरी वेरी बहुत ही जो अहम थीम रखी गई है इस बार कि हमें अपनी हेल्दी बॉडी के लिए, अपने एनवायरनमेंट को, प्लेनेट को, उसका अगर हम ध्यान रखें हम अपने आप को बहुत बीमारियों से बचा सकते हैं। और ये भी कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी हैज़ ए सॉर्ट ऑफ वेरी ब्राइट माइंड। सो ये चीज़ें हेल्थ के साथ बहुत रिलेशन है। तो ठीक है, आई मीन आजकल बहुत मेडिसिन में प्रोग्रेस हुई है, ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल बहुत बीमारियों के लिए, बट बचना बीमारी से सबसे ज़्यादा अहम है। हमें वो प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। अब देखिए पेंडेमिक, ये पिछले 2 साल सब लोग जानते हैं, तो क्या निकला कि अगर आप मास्क पहनते हो और अपने आप को थोड़ा सा क्लीन रखते हो, हैंड वॉश करते हो, थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हो, ये सब चीज़ें बन गई थी, दैट इज़ ए सोशल वैक्सीन। सो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें अपने
प्रिवेंटिव स्टेप्स जो हैं, जो प्रिवेंशन है बीमारी की, जो जो भी हैं, और उसमें केयर ऑफ द प्लैनेट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो ये हम सभी इस थीम को आई थिंक बहुत ही आई विल से के हॉस्पिटल्स भी, पब्लिक एज सच, द गवर्नमेंट एज सच, जो जो भी स्टेप लिए जा सकते हैं इंश्योर करने चाहिए, हम कैसे एफर्ट कर सकते हैं टू इंश्योर ए क्लीन प्लैनेट, ए प्रॉपर प्लैनेट, सो दैट वी प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम हेल्थ डिसऑर्डर्स। थैंक यू।